और बना घुस गए अंदर, धर्मबारी में निकल रहा। फ्रेंड देखिए भैया, आप तो काफी मोटे हैं, कैसे निकलेंगे देखते हैं। क्या नाम क्या है? तेजपाल। तेजपाल सिंह। और निकल गए देखो, कैसा लगा? तेजपाल नागौर से। अरे ये क्या, ये तो आराम से निकल गया। हमारा जाता है इसमें पाप सारे झूल जाते हैं। झूल जाते हैं यहाँ पे, पाप झूल जाए तो फिर मैंने सोचा जो करने में कोई बुराई नहीं है ना ज्यादा। ठीक है निकलो, हाथ की नस है जो ब्लॉक होने लगी धीरे धीरे, इधर उधर होने लगी। वापिस मत आओ, बाहर आओ। निकलो बहन जी, आप निकलो। ठीक है ठीक है, ये चारों ओर अच्छी हो गई बाउंड्री। हाँ, ये फॉर्च्यूनर है। अरे माँ, ये स्कॉर्पियो है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जय माता जी रिसा खमा गणी हुकम। मैं आज आया हुआ हूँ नागणेची माता जी के मंदिर नागणा धाम में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ नागणेची माता जी मंदिर का ये मेन गेट है। हालांकि मैं नागणेची माता मंदिर पहले भी आ चुका हूँ और आपको पूरे मंदिर के दर्शन हमारे ब्लॉग के माध्यम से करवा चुका हूँ। इधर ये पार्किंग है मंदिर का और आगे बोर्ड वगैरह लगे हैं। हम दो लोग आए हैं स्प्लेंडर लेके, भाई ने न्यू स्प्लेंडर ली है ब्लैक कलर की, इसीलिए मेरे साथ में भाई श्याम है और हम दोनों आज मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप लोगों को भी इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराने वाले हैं। कैसे श्याम? बस बढ़िया बढ़िया एकदम। जय माता जी की। जय माता जी की। तो मंदिर तो हम पहले आपको दिखा चुके हैं पूरा, आज टोटली सीधे यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर पहाड़ी की तरफ। तो पहाड़ पर जाने वाले हैं, धर्मबारी में जाने वाले हैं और पहाड़ पे माता जी के जीवन से जुड़े हुए, माता जी के इतिहास से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य है वहाँ पर, जो चिन्ह आज भी वहाँ मौजूद है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहाड़ पर चलते हैं बेटा। ओके, बाइक लेके जाएंगे कुछ दूर, फिर आगे है जो पैदल जाने वाले हैं। ये आप मंदिर के जस्ट थोड़ा पास में आएंगे तो यहाँ बाहर की साइड में एक रोड आपको जाती हुई दिखेगी, यहाँ से आपको टर्न ले लेना है। ये रोड बनी हुई है जाते है ऊपर। ये लड़की यहाँ साइकिल चला रही है, क्या कर रही है? ये रोड सीधी पहाड़ पर जाती है जहाँ धर्मबारी बनी हुई है वहाँ तक जाती है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। बाइक यहाँ काफी मुश्किल से आई हुई, कितना पावर लगाना पड़ा। कौन से गियर में आई तो वहाँ तक? तीसरे में थी, उसके हाँ। बाद दूसरे में आ गई। मतलब पहले तीसरे डाला फिर दूसरा डाला? नहीं, पहले चार में थी, हाँ। चौथे गियर में थी, उसके बाद में एक गियर चेंज किया, हाँ। फिर आ गई, उसके बाद में थोड़ा सा मौसम टूटने लगा तो मैंने एक गियर और निकाल दिया, फिर उसके बाद दो नंबर में आ गई। अच्छा, दो नंबर चढ़ गई, मैं सोचा एक नंबर डाल, दूसरे गियर में आ गई। नई वाली स्प्लेंडर है पर फिर भी ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है इसलिए, और बढ़िया बात है कि आ गई यहाँ पे, ठेठ आ गई पूरी, एक कदम भी दूर नहीं रही। अब आगे ये टंकी बनी हुई है, आगे हम जा रहे हैं धर्मबार की तरफ। अच्छा, अभी ले जाते आप दो नंबर पहाड़ी पे चढ़ाते क्या? रास्ता नहीं है, नहीं तो सड़क होते। बिल्कुल, अभी धर्मबारी के पास में चलते हैं और आपको धर्मबारी दिखाते हैं पहले। तो अभी हम लोग चढ़ चुके हैं पहाड़ के ऊपर और माता जी के मंदिर का ये छोटा वाला पहाड़ है धर्मबारी वाला है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो घर बनाते हैं बहुत प्यारे प्यारे, आप देखिए सारे के सारे पत्थर के घर बने हुए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने सपनों का घर बनाते हैं। तो हम भी यहाँ पर अच्छा घर बनाते हैं पहले तो, और उसके बाद में हम धर्मबारी की तरफ जाएंगे। ये है पत्थर, यहाँ एटलीस्ट पत्थरों के घर बनाते हैं भाई, पत्थर को इकट्ठा कर दो। आप कितना बड़ा घर बनाओगे? तीन मंजिल का बना रहे होगे? एक पत्थर का मतलब एक मंजिल है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारी वो ब्लैक कलर की थार है इधर, हाँ। ये बाइक है, कौन सी है? वो, नहीं नहीं तो? निंजा निंजा, ये निंजा बाइक। ये इसकी हो गई चार दीवारी, घर हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अभी चलो धर्मबारी की तरफ, इसका वो कर लेते ना शुभारंभ घर के अंदर। शुभारंभ तो बाद में करेंगे ना। शाम भी बना रहा है अपने लिए घर यहाँ पर, सपनों का घर बना रहा है अभी। देखिए कैसे बना रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हाँ, थर्ड फ्लोर, ठीक है ठीक है। ये चारों ओर अच्छी हो गई बाउंड्री, हाँ। बस गाड़ी वाड़ी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे? रुको रुको यार, हैं रुको, सब्र करो। हाँ, इसका गेट है, ठीक है ठीक है। तुम्हारे घर में सॉरी करके लेकर दोगे तार? नहीं 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 नहीं, मेरे थार की आर सीख रही हुई। हाँ, ये फॉर्च्यूनर है। अरे माँ, ये स्कॉर्पियो है। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, और
और ये वो थार है। अच्छा हाँ, नेता बनेगा क्या घर वाले? स्प्लेंडर ही है। ठीक है, स्प्लेंडर ब्लैक कलर वाली। हाँ, ब्लैक कलर वाली स्प्लेंडर ही है। ठीक भाई, शाम का घर भी हो गया रेडी एकदम। उसके बाद अपना ये इधर स्टूडियो है, यहाँ पे इधर स्टूडियो है। ठीक है, एडिटिंग वगैरह होती है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे नियम ऐसा है कि जो घर बने हुए होते हैं ना ऑलरेडी, उनको लोग तोड़ते नहीं है, जो पत्थर बिखरे हुए पड़े रहते हैं उन्हीं के घर बनाते थे। और ये देखिए, यहाँ से शानदार नज़ारा दिखता है माता जी के मंदिर का और मंदिर प्रांगण का पूरा आगे तक का। और यहाँ काफ़ी लोग, अभी शाम का टाइम है ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं माता जी के मंदिर की, जो पहाड़ में धर्मबारी से निकलने के लिए भी लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि ठंडा मौसम है, धूप में तो यहाँ आना काफ़ी मुश्किल है। आप धर्मबारी, मैं और श्याम दोनों धर्मबारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन श्याम बहुत डरता है कि भाई धर्मशाला धर्मबारी में कैसे निकला जाए। पाप बहुत किया हुआ है ना गाइस, इसीलिए जो पापी होते हैं उनको वास्तव में यहाँ बहुत डर लगता है। और देखिए ये कि मोटा बच्चा भी जा रहा है नीचे, क्या नाम है? रमेश, कहाँ से है? सर निकल गया धर्मबारी में से? नहीं निकला, अभी निकल के बताएगा ये भी, आप देखना। तो फाइनली मैं आपका वीडियो बना दिया है मेरा तो कॉलेज काम है धर्मबारी। यहाँ माता जी के नाग ने ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे फन मारा था और फिर जब नाग ऊपर की तरफ निकला था तो यहीं से माता जी प्रकट हुए थे। और ये मंदिर जस्ट यहाँ नीचे की साइड मंदिर है, बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। और मंदिर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं। मंदिर के वीडियोज हमारे चैनल पे पहले से ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग धर्मबारी के अंदर से निकलते हैं। तो गाइस अभी भैया उसके अंदर जा रहे हैं अंदाज में। ठीक है, अच्छा चॉकलेट भी इसका, भाई ने मेरे को बाइक की चाबी दी, उसके अंदर चॉकलेट भी है, जाने दो कोई नहीं। भैया के पुण्य का और पाप का नाप तोल किया जा रहा है। तो जय माता जी की, माता जी के नाम। ये बताओ आप कैसा लग रहा है? हां बहुत, मतलब थोड़ा डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं काफी बार निकला हूं पहले भी। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लगता है। नहीं मतलब पहले तो पुण्य किया होगा ना, इस बार पाप बहुत कर दिया, थोड़े थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पाप भी हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि पाप सारे धुल जाते हैं। धुल जाते हैं यहाँ पे, पाप धुल जाए तो फिर मैंने सोचा जो करने में कोई बुरा ही नहीं है ना ज्यादा। ठीक है निकलो गाइस, एंटर हो गए अंदर। इसके अंदर से कैसे निकलते हैं? आपको क्या मैं तो नहीं निकलने वाला, मुझे तो डर लग रहा भाई। भाई को गाइड किया जा रहा है, छोटू मुझे गाइड कर रहा है, गुलगुल गाइड तो करना पड़ेगा। हाँ गाइड तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप बहुत किया हुआ ना, ऐसे मानेगा नहीं। हाथ में पॉइंट तो पड़ गया, हाथ में मोच आ गया गाइस, एक में हाथ की नस है जो ब्लॉक होने लगी, धीरे धीरे इधर उधर होने लगी है नस। चन्ना भाई कितना पाप किया, सच सच बताओ अभी, पाप कौन सा पाप किया था? बहुत ज्यादा ही पाप किया मेरे भाई, मुश्किल है यार, मुश्किल है। बैग आओगे क्या? बैग आना भी नहीं जमेगा अभी तो, उतने फग मोइन जा रहे हैं। अच्छा देखो ट्राई करो, ट्राई करो, आई होप आप निकल जाओगे। ट्राई करो, ट्राई करो, आ गए अभी तो, पूरा बाहर ही आ गए ना, रेंगते रेंगते निकल जाएगी। जैसे सांप निकलता है वैसे ही निकलना पड़ेगा, वो सांप भी ऐसे ही निकला था। चलो हाथ दो, हाथ दियो डोनी, अरे बोंदी तुम गई, भाई को बहुत डर लग रहा है, निकल गया फाइनली गाइस, निकल गया ये, फाइनली गाइस सारा पाप धुप गया है। अभी मैं एक साल बाद माता जी के मंदिर आया हूँ। अभी एक साल में और कितना पाप करोगे? साल भर में जो भी पाप किया था उसने काफी ज्यादा परेशान किया है मुझे, काफी दुख दिया। अच्छा हाथ की नसें ब्लॉक हो गई, यहाँ से मतलब पूरा चलिए निकलिए, और भी लोगों का नंबर आने वाला गाइस, मेरे को डर लग रहा है, मैं तो नहीं निकलने वाला, नहीं नहीं गाइस मैं नहीं निकलने वाला, मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, निकलना तो पड़ेगा, और भी बहुत लोग हैं इधर, ये लोग निकलेंगे आपको बताएंगे अभी वीडियो में। ये देखिए फाइनली हम निकल गए, आप निकलोगे भैया? निकल चुके होगे, एक बार और निकल जाओ ना।
भगवत सिंह। भगवत सिंह तो एकदम आराम से निकल गया भाई, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल। बाहर आके थापी मार। कैसे लगा? बता दे। अरे मैं पड़ा था इमा ऊपर ये। मुझे कहने नीरू। नीरी? क्या नाम आपका? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह निकलो। राठौड़ बैंक की कुलदीप नागनी। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। आप कहाँ से हो भैया? ये मैं तो हूँ साइला से, ये धनजी का बासवाड़ा वाड़ा, धनजी का वाड़ा, धनजी वाड़ा। हाँ जानता हूँ मैं, धनजी वाड़ा माए हुए हैं। क्या हुआ, फंस रहा है? आराम से, आराम से। छोटे बच्चे आराम से निकलते हैं, छोटे बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे दिल के साफ होते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। अपने मन में कुछ भाई, तू भाई नहीं निकल रहा यार, भाई को निकलवाते। एक बार नहीं फंसेगा। मैं नहीं फंसी, मैं नहीं फंसा तो आप कैसे फंसोगे बताओ। मैंने बहुत मेरे से, आप मेरे से पतले हो, मोटे नहीं हो। मैं पापी हूँ भाई, मैं गुंडा हूँ। भैया निकल रहे हैं, जय माता जी की। भैया ने माता जी का नाम ले लिया है। फंस जाओ, प्रसाद वगैरह बोल देना, निकल जाओगे बाहर, ऐसा मानना है यहाँ का। देखिए गरमबारी का एंट्रेंस ऐसा है कुछ। निकला निकल तो सके, क्यों नहीं? आप निकली? आप निकले की? नहीं मैं तो एक अगली बार निकले था, अभी निकल के। अभी निकल जाओगे? इसके अंदर क्या, अंदर पूरा पहले थोड़ा घुस के फिर मूवमेंट करना होता है, उसके अंदर पूरा मतलब घूमना होता है, बॉडी को घुमाना होता है, रोल करना पड़ता है बॉडी। हाँ, राउंड राउंड से। वो कहाँ गया भाई जिसने मेरे को निकलवाया था? छोटू को बुलाओ बाहर। निकलो भैया, निकलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप आराम से उसके अंदर एक बार घूम जाओ ऐसे, उसके बाद निकल सकते हो। हाँ ऐसे घूम जाओ, बस यही चीज है और कुछ नहीं। वापिस मत आओ, आओ बाहर आओ। कैसे लगा आपसे निकला? नहीं नहीं, निकलने तक हो सकता है लेकिन घुमाना पड़ता है पूरा शरीर। भैया आप निकलोगे? आप आ जाओ। पहले ये निकलेंगे, बहन जी निकलेंगे, फिर आप निकलेंगे। तुझे बाप जी करो ना, तुझे बाप जी कोई भाई, तुझे बाप जी क्या होता है मतलब? बोलना है भला करना ऐसा। अच्छा तुझे बाप जी होने आज पहले जालोर जालोर जालोर। ये और बना घुस गए अंदर, धर्मबारी में निकल रहा। देखिए भैया आप तो काफी मोटे हैं, कैसे निकलेंगे देखते हैं। क्या नाम क्या है? तेजपाल। तेजपाल सिंह, और निकल गए देखो। कैसा लगा? तेजपाल प्रजापत कहाँ से? राम सर। राम सर नागौर से। अरे ये क्या, ये तो आराम से निकल गया। ये माहौल है भाई साहब, यहाँ पे शाम के समय में आज हम नागाना धाम पधारे हैं, माता जी के मंदिर। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे धूप ज्योत होती है, और ये मंदिर का नज़ारा आपको पहाड़ के ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। और शाम के टाइम यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि आप भी अगर आएँ तो थोड़ा शाम का टाइम देख के आएँ, क्योंकि ये पहाड़ हैं जो अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो शाम के टाइम आएंगे तो यहाँ ठंडा माहौल है एकदम। और आप धर्मबारी में से निकल सकते हैं, पहाड़ पर घूम सकते हैं। आप दोबारा निकल गए? क्यों, कैसे लग रहा है मतलब निकल के? बार बार क्यों निकल रहे हो? हैं बढ़िया पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? अच्छा आप निकलो बहन जी, आप निकलो। भाई हमारे चैनल का नाम पूछ रहे थे, भैया को चैनल नहीं मिला, चैनल बता रहे हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। घूमने के लिए आते हैं ना तब ऐसा। आप वीडियो देखोगे भैया, उसके बाद में मतलब क्या बोलना चाहते हो आप सभी दर्शकों को? वीडियो देखो दो पहला। नहीं जैसे कि आप हमारे को वीडियो बनाते हुए देख चुके हो वैसे लाइव, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को? देखिए हम लोग यहाँ पहाड़ी पर आ गए हैं, और कुछ भाई लोग भी इधर लोग हैं जो खड़े हैं। क्या नाम क्या आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी हैं, आप कितने टाइम से आते हैं यहाँ पर? हम तो पहले टाइम से आए। पहली बार आए अभी तो? पहली बार आए हम तो, हम इधर नहीं रहते। इधर नहीं रहते? कहाँ रहते? रहते इधर हम तो, हमारा कर्नाटक घर है। कर्नाटक में है? अच्छा, माता जी दर्शन कर लिए आपने? दर्शन कर लिए माता जी की? माता जी दर्शन कर लिए। कैसा लगा मंदिर आपको? अच्छा लगा। सो दोस्तों, इस ब्लॉग में हमने आपको दिखाया कि हम धर्मबारी के अंदर से निकले और यहाँ पर किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं पहाड़ के ऊपर, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और पूरे मंदिर का आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी